नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCSNP Tech में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप जो टेबल्स पे आइटम दिखेंगे उन आइटम्स पे कैसे आप इमेजेस लगा सकेंगे, या उन आइटम्स जो आइटम दिख रहे हैं उन आइटम्स का जो बटन है या आप लेबल कह लें तो उसका साइज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। मान लीजिए आपने साइज को इंक्रीज करना हो, उसका फॉन्ट चेंज करना हो, फॉन्ट का साइज कम करना हो या ज़्यादा करना हो, वो आप सब कैसे करेंगे, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी आइटम पर आप इमेज कैसे लगाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप PCSNP रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में कंट्रोल प्लस एन जो शॉर्टकट की है उसको प्रेस करेंगे तो आपको आइटम मास्टर का फॉर्म ओपन होगा। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं वैसे ही आइटम मास्टर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद जिस भी आइटम पर आपने इमेज लगानी है तो उस इमेज का डायमेंशन यानी कि हाइट एंड विड्थ इस हिसाब से सेट करेंगे। जैसे अभी मैंने जो भी हमारा साइज लेबल का है जहाँ पे वो आइटम दिख रहा है, नाम दिख रहा है, तो उसका साइज मैंने 80x60 रखा है, यानी 80 विड्थ एंड 60 हाइट। तो वो आप ऐसे करके जैसे आप बटन का साइज जैसे रखेंगे उस हिसाब से उसका साइज आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक आइटम है जिसमें हमने प्रोडक्ट की इमेज लगा रखी है। अभी मान लीजिए मैं इस इमेज को रिमूव करता हूँ, जैसे ही मैं रिमूव इमेज पे क्लिक करूँगा इस प्रोडक्ट से इमेज रिमूव हो जाएगी। जैसे देख पा रहे हैं अभी इसकी कैटेगरी सूप वेज है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सूप वेज में इमेज जो लगी हुई है कैसे दिख अभी दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे और सूप वेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए हॉट एंड श्योर वेज में इमेज आपको दिख रही है। अभी मैं यहाँ से आइटम मास्टर से इमेज रिमूव कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा तो आपको वो इमेज नहीं दिखेगी। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे ठीक है, मैं यहां से रिमूव इमेज कर देता हूँ। देन उसके बाद फिर जाता हूँ टेबल पे और सूप वेज में क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ से रिमूव इमेज जो है रिमूव हो गई। अब मैं वापस उस इमेज को यहाँ पे लगा दूंगा तो शो होने लगेगा, मतलब जिसकी इमेजेस जिसकी आइटम इमेजेस लगी होगी वो सब शो होंगी और जिसमें नहीं लगी होगी उसमें सिर्फ जो उसका नाम है आइटम का सिर्फ वो आपको दिखाई देगा ठीक है। अब मैं यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ, मैंने प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया और ओके किया और सेव किया ठीक है। अब मैं T1 पे क्लिक करता हूँ और सूप पेज में देखूंगा तो देखिए अब यहाँ पे इमेज शो होने लगी। तो इस तरह से आप उस आइटम पर इमेज लगा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ इमेज आपने लगाई और थोड़े दिन बाद नहीं शो करना चाहते तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं या कोई दूसरी इमेज भी उस पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं कि आपने इमेजेस लगानी है, हटानी है। आप देखिए जैसे ये साइज है, अब जैसे इसको बढ़ाना है, इसके फॉन्ट का साइज बढ़ाना है या कुछ भी करना है वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हम एक आपको फाइल देंगे, वो फाइल आपको इस तरह से कुछ दिखेगी ठीक है। तो जो हम फाइल देंगे आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पे जो टेबल्स का टेबल का पैनल है, यहाँ पे टेबल का ऑर्डर ले रहे हैं और जहाँ टेक अवे का ऑर्डर ले रहे हैं, दोनों का अलग अलग तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो आइटम्स का पैनल है जहाँ पे हमने आपको इमेज दिखाई उसका साइज घट मतलब उसका जो लेबल है उसको बढ़ाना है या घटाना है तो कैसे करेंगे। जैसे ये विड्थ दे रखी है उसकी, तो विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं ठीक है हमने इस, और इसके फॉन्ट को भी हम बढ़ा सकते हैं, हमारे फॉन्ट 15 कर दिया। तो और भी देखेंगे क्या चेंजेस आपको वहां पे दिखेंगे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए साइज जो है बढ़ गया, फॉन्ट का साइज भी बढ़ गया। तो इस तरह से आप आसान तरीके से फॉन्ट के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, उस लेबल के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप ये कर पाएंगे। अब मैं वापस अगर मैं सारे उसका पड़ जाता है एक साथ जैसे आप चाहते हैं, देखिए बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा, साफ साफ दिखने लगेगा कि बड़ा सा।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं छोटा देना चाहता हूँ तो वो भी आपको दिख जाएगा, यानी कि आपके हाथ में वो कंट्रोल है कि आप खुद ही जो बटन का साइज है या लेबल का साइज है उसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं जैसा चाहे वैसा आपको वो दिख जाएगा। तो अभी मैं वापस इसको घटा देता हूँ, तो जैसे अभी साइज 10 था और विड्थ जो थी 115 थी और हाइट 110 थी। इस तरह से हमने दोबारा उसको वही सेट कर दिया। सेट करने के बाद हम इसको एक बार फॉर्म क्लोज करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो देखिएगा साइज वही दोबारा हो गया। तो इस तरह से आप PSSNP रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का यूज करके आसान तरीके से किसी भी आइटम्स में इमेज लगा सकते हैं, उससे रिमूव कर सकते हैं, जो इमेज के बटन या लेबल का साइज है उसको घटा बढ़ा सकते हैं, जो उसका फॉन्ट है उसको बड़ा घटा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत ही आसान फीचर्स और यूजर फ्रेंडली फीचर्स PSSNP रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए गए हैं, जो एक बिजनेस ऑनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।